जब कुछ किए थे ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था यहाँ। नहीं, क्या लगता है सब सब गांव वालों को क्या लगता है, ये पानी की व्यवस्था होगी तो क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? हमारे गांव में पानी का सुविधा ताकि घर घर पानी मिले, ताकि जौन दीदी भैया हमारे यहाँ नदी से और कुआं से कितना 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 दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर पूरी 1.5 किलोमीटर दूरी से। और पानी कैसा होता है, पानी शुद्ध होता है या ऐसा ही पानी? ना ही आपको साफ। अब जब साफ पानी मिलेगा तो लोग पानी बचाएंगे कि पानी बर्बाद करेंगे, क्या लगता है आपको? साहब बचाएंगे। पक्का बचाएंगे? हाँ साहब। देखिए पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, हमारा कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है, जैसे आपका विंध्य में पानी की दिक्कत है, जैसे बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत है, वहां रेगिस्तान में भी यही हाल था। तो हमने महिलाओं की कमिटियां बनाई और उन्हीं को काम दिया, इतना अच्छा काम किया बहनों ने, उस सारी चीजों को संभालना, लोगों से टैक्स वसूल करना, कभी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग करना, सब काम बहनें करती थी, उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जूथ है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए पानी कैसे बचाना, तो करेंगे आप लोग? पक्का करेंगे? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठिए फूलपति जी। योगी जी, मुझे लगता है कि काफी बच्चे, बहुत आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे, अब हम ये बातचीत का कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करके कुछ विषय मैं बता दूं ताकि समय लोगों का बर्बाद ना हो। देखिए, जीवन की एक बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो एक अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास आप सभी के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बनाया गया, टेक्नोलॉजी के कारण हर किसी से मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको देख पा रहा था। जिस प्रकार से आप, जैसे घर में बहुत बड़ा उत्सव हो और जिस प्रकार से कपड़े पहन करते हैं, घर में साज सजा, वो सब मुझे दिख रहा था। मतलब कि कितना उत्साह और उमंग भरा पड़ा है आपके अंदर, वो मैं यहां से देख रहा था। ये उत्साह, ये उमंग